हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा फ्री फायर के अपकमिंग कुछ मैजिक क्यूब के बंडल के बारे में कि कौन सा बंडल आपको मैजिक क्यूब में देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आर्केटिक ब्लू बंडल एंड वो जो ब्रेक डांसर बंडल एंड इलेक्ट्रिक शॉक वाला जो बंडल है, वो बंडल मैजिक क्यूब में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो भी बोल रहा है कि वो बंडल आप लोगों को नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल में देखने के लिए मिलेगा, तो गलत बोल रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो तीनों बंडल ही बहुत ही रेयर आइटम है और फ्री फायर रेयर आइटम कभी भी हमारे इंडियन सर्वर में नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, वो तीनों बंडल आने का चांस बहुत ही कम चांस है फ्रेंड्स। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा बंडल आ सकता है। 99% चांस है कि वही बंडल आ सकता है, लेकिन फ्री फायर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मैं आप लोगों को बंडल भी दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्री फायर का हर एक रियल रिलेटेड अपडेट न्यूज़ एंड सारे न्यूज़ आपको इस चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे इंडिया थर्ड में अभी कौन सा बंडल है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा बंडल आएगा हमारे गेम में। फ्रेंड्स, ये हमारे इंडिया सर्वर का अभी का बंडल, तो एक भी बंडल भी अच्छा नहीं है, सब फालतू सा बंडल दे दे। मैजिक क्यूब में एक भी बंडल अच्छा नहीं है, क्योंकि मैजिक फ्री फायर को पता है कि सारे के पास मैजिक क्यूब है, इसीलिए एक भी बंडल अच्छा नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, अगला मैजिक क्यूब में कौन सा बंडल आएगा, मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो इस बंडल को देख लो, एक भी बंडल अच्छा नहीं है। आप लोगों को ये बंडल कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाहर की सर्वर में फ्री फायर बहुत ही अच्छा बंडल देता है, आर्केटिक ब्लू बंडल भी बाहर की सर्वर में देता है, लेकिन इंडियन सर्वर में कभी भी नहीं देगा, क्योंकि वो डायमंड लूटना जानते हैं। उस बंडल के वजह से वो लोग डायमंड लूटेगा। आर्केटिक ब्लू बंडल एंड वो जो ब्रेक डांसर बंडल एंड वो जो इलेक्ट्रिक शॉक बंडल है, तीनों बंडल से वो डायमंड लूटेगा। तो फ्रेंड्स, मैजिक क्यूब में अभी तो वो बंडल आने का कोई चांस नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हमारा कौन सा बंडल नेक्स्ट में आएगा। तो फर्स्ट बंडल आप लोग देख लो। तो फ्रेंड्स, ए बंडल आप लोग देख लो, निक निकल के आए कि मैजिक क्यू में नेक्स्ट बंडल आपको ए बंडल देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, 1 वीक या 2 वीक के बीच आप लोग ए बंडल मैजिक क्यू में ऐड हो जाएगा। लीक निकल के आइए, ए बंडल हमारा नेक्स्ट मैजिक क्यू बंडल हो सकता है, लेकिन और भी दो बंडल में आप लोगों को दिखा दूंगा, वो भी बंडल आने का 99% चांस है मैजिक क्यू में। तो आपको मैं रियल न्यूज़ देता हूँ फ्रेंड्स, मैं कोई भी फेक न्यूज़ देता हूँ, नहीं बोलता कि ए बंडल आएगा वो बंडल आएगा, मैं आपको जो बताता हूँ यही न्यूज़ निकल के आई है कि ए बंडल आ सकता है। तो और दो बंडल में दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, ए बंडल भी देख लो, ए भी डायमंड रॉयल में आया था, वो पहला बंडल भी डायमंड रॉयल में आता है, ए भी डायमंड रॉयल में आता है, ए भी बंडल आपको मैजिक क्यू में देखने के लिए जल्द ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ए भी मैजिक क्यू में जल्द ही ऐड हो सकता है बंडल, ए भी निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, और भी एक मैं बंडल आपको दिखा देता हूँ, ए फीमेल का बंडल भी है जो डायमंड रॉयल में आता है, ए भी बंडल आपको मैजिक क्यू में ऐड हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों बंडल ही मैजिक क्यू में आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो फास्ट जो फीमेल वाला बंडल है, फास्ट जो मैं फीमेल वाला बंडल देखा है वो फास्ट आएगा, और ये दोनों बंडल बाद में मैजिक क्यू में देखने के लिए मिल सकता है आपको। तो फ्रेंड्स, ये तीनों बंडल ही आप लोग देख लो, तीनों बंडल में जो फास्ट वाला बंडल है जो फीमेल का, वो बंडल आपको पहले देखने के लिए मैजिक क्यू में मिलेगा और बाद में आपको ये दो बंडल भी मैजिक क्यू में देखने के लिए मिलेगा। तो ये तीनों बंडल आप लोगों का कैसा लगा मुझे कौन पता नहीं, तीनों बंडल ही डायमंड रॉयल में आया था। तो फ्रेंड्स, ये तीनों बंडल ही मैजिक क्यू में ऐड होने का 99% चांस है, क्योंकि नीक निकल के आई है कि यही बंडल आप लोगों को मैजिक क्यू में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं ये भी बता देता हूँ, और जो ब्रेक डांसर वाला बंडल और जो इलेक्ट्रिक शॉक वाला बंडल है, वो बंडल तो फ्री फायर आप लोगों को इवेंट में दे सकता है, वो डायमंड लुक सकता है, लेकिन फ्री फायर का कोई पता नहीं। तो ये तीनों बंडल अभी मैजिक क्यू में आने का चांस है, तो मैं आप लोगों को रियल न्यूज़ दे दिया। तो फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको सारे रियल न्यूज़ देता हूँ, कोई फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको तीनों बंडल से कौन सा बंडल बेस्ट लगा।